यार हमारे पास ना तीन डक्स न्यू आई हुई है यार, बहुत प्यारी डक्स है यार। मैं आपको ये भी बताता हूँ ये कहाँ से आई है और ये किसकी है, मैं अभी आपको बताता हूँ। पहले आपको दिखा दूँ यार, इतनी प्यारी है माशाल्लाह से। एक डक तो मुझे उसमें से इतनी ज्यादा पसंद आ गई है, मैं आपको दिखाता हूँ यार। ये देखो हमारे पास थी ना डक्स यार, ये देखो हमारा तो वो दोनों था, एक वो वाली डक देखो यार कितना प्यारा नियाब क्लब, और देखो चू 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 कितनी करती है यार। हमारे वाली डक तो यार बोलती नहीं था, दोनों बहुत कम बोलता था। जब उसकी डायना गुम हो जाती थी तो वो तब बोलता था, पा 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 करता था। लेकिन यार इनकी डक्स तो सुबह से बोली जा रही है यार। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि ये वाली डक्स आई कहाँ से है, कैसे हमारे पास आई, सारा आपको बताता हूँ यार। तो पहले नहीं, लेकिन इसका यार इसका कलर देखो यार, मुझे लग रहा है जैसे कोई वाइल्ड डक हो, कोई फॉरेस्ट से आई हो या किसी बर्फानी इलाके से डक आई हो यार। इस डक का कलर मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ गया। वैसे मुझे ना पहचान ही नहीं आ रही हमारा दोनों कौन सा, लेकिन ये वाला दोनों हमारा है, मुझे थोड़ी सी निशानी है उसकी। तो यार अब मैं आपको बता देता हूँ ये कहाँ से आई और कैसे आई। यार ये हमसाये जो हमारे हैं ना, ये उनकी डक्स है, और रात उन्होंने अपना घर बंद कर दिया और डक्स ये बाहर ही फिर रही थी यार। उन हमने बड़ी कोशिश की कि इनको भगाया, कि उड़ के उनके घर के अंदर चली जाए, लेकिन ये नहीं गई। तो हमने इनको अपने घर के अंदर ले आए, हमने कहा सुबह हम उनको जाके वापस कर देंगे। तो अभी इनको खाना छाना खिलाते हैं, खाना छाना खिला के फिर उनके पास जाते हैं, उनको कहते हैं यार मुझे वो एक डक पसंद आ गई, अगर वो मुझे सेल करना चाहते हो तो मैं उनसे ले लूंगा। पहले इनको खाना छाना खिला लेते हैं, खाना छाना खिला के फिर इनको वापस देने जाते हैं। वापस दे के फिर देखते हैं, अगर वो हमें वो एक डक दे देना यार, वो वाली डक दे देना, मेरा बहुत दिल कर रहा है, बहुत प्यारा कलर है उसको। मैं उनको कहूंगा यार मेरे पास दोनों अकेला, उसको एक फीमेल डक चाहिए, और दोनों ने उसके साथ दोस्ती भी लगाई हुई है, वो चेक करो, दोस्ती लगा के खड़ा उसके साथ। भाई यार डक्स बाहर निकल आ रहे हो, पानी वाले तालाब के अंदर जा रही है। मैं इनके लिए रोटी लेके आ गया हूँ, इनको रोटी छोटी खिलाते हैं, उसके बाद फिर इनको लेके जाते हैं, उनको वापस करते हैं। पहले इनको खाना छाना खिला देते हैं। आ जाओ भाई डायना डोनो, आ जाओ यार। वो मग को बाहर निकालते हैं, अपने डायना डोनो खौफनाक को बाहर निकालते हैं, वो देखते हैं, वो इनको देख के क्या रिएक्शन करते हैं। पहले वो करते हैं यार खाना खिला दे, पहले खाना खिला दे ना, ये भूखे होंगे यार। यार मैंने चूरी बना ली और हमेशा की तरह शहजादा मेरे पास आ गया, लेकिन इधर आओ, आ जाओ भाई, खा लो, आ जाओ इधर आओ यार, खा लो यार। ओए बच्चों, ओए 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 माशाल्लाह कितनी प्यारी डक्स है यार, देखो कैसे चारों साइडों पे खड़ी होके अपना पानी शानी पी रही है। एंजॉय मारो भाई, एंजॉय मारो माशाल्लाह। यार मुझे ये वाली डक का कलर बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है, बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है यार। इनके ना पानी के अंदर डाल देते हैं, फिर ये खाते रहेंगे इसी में से। आजो भाई आजो, खा लो, आजो खाओ। चलो भाई खाना खा लो यार, मैंने तुम्हारा खाना इसके अंदर डाल दिया यार, पानी के अंदर। ओए मुर्गे को उठाना पड़ेगा, ये जो फाइटर मुर्गा है ना, ये सबको डराता है। इधर आना काका, तू चल साइड पे हो, चल साइड पे हो। जाओ यार तुम लोग खा लो यार, जाओ पूछ के खाने लग गए भाई, खाने लग गए। ये देखो ये रोटी छोटी खा रहे हैं, खाओ भाई, एंजॉय करो, मजे करो। इतनी देर तक भाई हम खौफनाक को निकाल देते हैं, और खौफनाक ने फिर पता है आपको लड़ाई इसने करनी है, लेकिन मैं इनके ऊपर रहूंगा और इनको डांट के रहूंगा। खौफनाक की इनके साथ मुलाकात करवाते हैं, देखते हैं ये मुलाकात के अंदर क्या करते हैं। आज वैसे ही वैलेंटाइन डे, तो चलो भाई आ जाओ खौफनाक आराम से। डायना डोनो आके तुम्हारे न्यू फ्रेंड आए हुए हैं भाई, आराम से खौफनाक ने आते साथ हमला कर दिया, वो बेचारे डर के परे चले गए हैं। खौफनाक यही तुम्हारी हरकतें हैं ना, जो तुम्हें ना बहुत ही खौफनाक करती हैं। भाई ये देखो इस तरह की डक यार मार्केट में क्यों नहीं मिलती यार, पता नहीं ये हमसाए हमारे कहाँ से लेके आ गए हैं इस डक को। ओए खाओ भाई, भागो, कितनी क्यूट है यार जब भागती है तो। इधर देखो मैं करीब से दिखाता हूँ आपको, माशाल्लाह कितना प्यारा कलर है यार इसका। ओए एक उधर वाला दोनों हमारा है, ये और ये तीनों डक्स साथ वालों की है। तो यार अभी टाइम आता है इनको वापसी इनके घर छोड़ने का, मैं जाता हूँ हमसाए के पास, उनका दरवाजा ज्यादा लॉक करते हैं, उनको बुला के लाते हैं, क्योंकि मेरे अकेले से तो उठा के नहीं दी जानी, उनको मैं बुला के लाता हूँ कि भाई अपनी आके डक्स ले ले, हमारे पास रह गई थी रात, आपने ख्याल ही नहीं किया था, बाहर ही फिर रही थी, तो हमने अपने पास रख ली थी, और हमने रात को उनके घर भेजी भी थी, कोशिश की थी कि हम वो भगाएंगे तो ये उड़ के चली जाएंगे उनके घर के अंदर, लेकिन वो नहीं जा सकी, तो हमने अपने पास रख ली। अब उनको जाके वापस करते हैं, वो भी उठ गए होंगे यार, दिन के कोई 10-11 बज गए हैं। देखो यार अब दोनों को भी परवाह कोई नहीं है कि उसकी डायना कहाँ है, खौफनाक के साथ है किधर है, नहीं तो पहले उसको बड़ी परवाह होती थी, अब उसके अपने साथी आ गई है ना एक, वो उसके साथ एंजॉय कर रही है। देखो एक ये पेयर है और ये ब्लैक और वो प्यारी सी डक का, यार उनका दोनों का पेयर आपस में मिल गया, दोस्ती सोस्ती लगाई हुई है यार। ये वाला घर है उनका, इनके घर जाते हैं। यार इधर देखो माशाल्लाह से घर के बाहर उन्होंने कितना प्यारा अल्लाह रसूल और मोहम्मद लिखाया हुआ है, माशाल्लाह यार। काफी देर हो गई मैं बाहर खड़ा हूँ यार, वो दरवाजा ही कोई नहीं खोल रहे कब से।
यार वो दरवाजा ही कौन नहीं खोल रहा, मैं कब से बजाए जा रहा हूँ। जब वो बाहर निकले या मुझे बाहर नजर आए तो उनको मैं कह दूंगा भाई आपकी डक्स हमारे फर्स्ट होम के अंदर आई हुई है, तो आप वो आके ले जाइएगा। तो हम चलते हैं वापसी अपने फर्स्ट होम। मैं ना आपको ना अपने रैबिट्स के बच्चे दिखा देता हूँ जो कल हमारी रैबिट्स ने बच्चे दिए थे यार, चेक कर लेते हैं वो ठीक है ना, हैप्पी है ना, खुश है। तो एक तो उनकी अम्मी को बाहर निकाल देते हैं यहाँ से कि उनकी अम्मी बाहर जाए और अपना खाना पीना खा के वापसी आ जाए, और हम थोड़े से चुप के ना बच्चे देख लेते हैं कि वो कैसे हैं। ठीक है चलो यार चलो, आराम से देखेंगे, आराम से ये देखना यहाँ से देखेंगे। ओए किधर है बच्चे तुम्हारे, किधर है ओए बच्चे, किधर है तुम, बाहर जाओ ना, बाहर जाओ। नहीं उधर से नहीं जाओ, उधर से बाहर जाओ, उधर से दरवाजा खोल दिया है, उधर से जाओ बाहर, चलो आजो रैबिट, आजो बिग रैबिट, आजो। यार बिग रैबिट निकल ही नहीं रही इधर से यार, मैंने दरवाजा खोल दिया फिर भी नहीं निकल रही। ओए बच्चे ओए बच्चे बच्चे, मैंने वो गलती से मैंने सारा ही उठा दिया, थोड़ा सा उठाना था यार, इसको यहाँ से भगाना है यार। चलो यार तुम उधर चलो यार, दूर जाओ। ओए गीले हुए पड़े बच्चे, इसने अंदर पता नहीं डस्ट किया उसकी वजह से बच्चे गीले हुए पड़े हैं यार। चल ना तू, चल यहाँ से चल ना यार, इधर इसको भेजते हैं और बच्चे ना मिट्टी डालते हैं और घास डालते हैं ताकि ना बच्चों को ना सुकून मिले यार। देखो सारे ना गंदे छंदे हुए पड़े हैं, देखो मिट्टी मिट्टी हुए, गीले हुए पड़े हैं। ठीक है तो जल्दी से ना इनको ऊपर बंद करते हैं और मैं ना मिट्टी लेके आता हूँ, मिट्टी डालता हूँ। ठीक है इसने सारा डस्ट कर दिया अंदर, गंदी बच्ची बेचारों को सर्दी लग रही होगी, अब गीले हो गए सारे। ठीक है तो मैं जल्दी से ना मिट्टी लेके आता हूँ, उनको मिट्टी डालते हैं। आराम से भाई आराम से, ये ना मिट्टी डाल देते हैं इधर, ये इस जगह पे ऐसे, ताकि यार ये ना सेफ हो जाए। और इनके ऊपर बाल भी आ गए हैं, थोड़े थोड़े से बाल भी आ गए हैं भाई बच्चों के ऊपर। ठीक है ना भाई, तुम लोग इधर आ जाओ, उठ के इस मिट्टी के ऊपर आ जाओ, सारे गीले हुए पड़े हो यार, इधर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। इधर बाश वेल्डन वो इधर उधर किधर भाग रहे हो भाई, वो इधर देखो यार ये भागे जा रहे हैं इधर से उधर उधर, माशाल्लाह। अब बंद कर देते हैं बस, ऐसे बंद। ठीक है मैंने बस मिट्टी डालनी थी वो डाल दी है, अब उम्मीद है कि यार ये बच्चे हमारे ठीक रहेंगे। और इनके ऊपर से यार बाल भी आना शुरू हो गए हैं, बड़े हो रहे हैं यार। यार डायनो और डोनो फिर उसी घर के अंदर जा रहे हैं, जोरो के घर के अंदर, कल भी ये यहीं थे आज भी ये यहीं है, अंदर डायना बैठी तो नहीं है, और खौफनाक साथ जाता है। चलो भाई तुम इधर ही रहो, मुझे लगता है तुमने एक दिन और हमारे फर्स्ट होम के अंदर गुजारना है। यार तुम्हारे मालिक दरवाजा ही कोई नहीं खोल रहे, मैं कब से गया उनका दरवाजा खटखटा खटा के आया हूं यार। अब ये हमारे पास एक दिन और रहेगी और हमारे फर्स्ट होम के अंदर खूबसूरती रहेगी यार। वो जो वाइल्ड डक का ना वो हमारे पास रहेगी, वाइल्ड डक माशाल्लाह से मुझे बड़ी प्यारी लगी है यार। उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि हमें ना ये वाइल्ड डक हमें दे दो। उनको कहूंगा जब तुम्हारा दिल करने का ये साथ तो घर हमारे घर आके देख लिया करो तुम इसको, ठीक है हमारे पास रहेगी, खुश रहेगी, खाना शाना खाएगी, कितनी खुश है यार माशाल्लाह से दोनों के साथ मिल गया ये, इनका आपस में ये सारे मिल गए आपस में, इनके पेयर बन गए। और वहाँ पे डायना डोनो और भाई इनके पेयर शेयर बने हुए हैं, और बाकी सारे भी परिंदे शरिंदे बिल्कुल ठीक है, ओके हैं भाई, बड़ा मजा आ रहा है। अब तो खुशियों से खुशियां आ रही है माशाल्लाह से। बस यार ये मोर और मोरनी की आदत खत्म नहीं हो रही, यहाँ से उड़ते हैं वहां पे चले जाते हैं, यहाँ से उड़ते हैं वो उधर 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 दूर दूर तक चले जाते हैं। बस यही डर रहता है मुझे यार, बाहर इनको कोई नुकसान ना पहुंच जाए, बस यही डर रहता है। वैसे ये जाते कहीं नहीं है, छतों के ऊपर रहते हैं, मैंने कहा कहीं नीचे गिर गए किसी दिन बाहर चले गए तो डॉग वगैरह कुत्ते वगैरह बाहर गली के होते हैं यार, वो गली मोहल्ले के कुत्ते ना पड़ जाए इनको। भाई दोनों भी देख के हैरान हो रहा है, इधर देखो कैसे कैसे, तुम्हें पता नहीं ये खौफनाक कैसे हाऊ हाऊ करता है, उधर देखो वो देखो डक्स को हो कर रहा है। यहाँ पर मैं इस व्लॉग को एंड कर रहा हूँ, और आप लोगों ने मुझे बताना है आपको ये वाइल्ड डक कैसी लगी है यार। मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आई है, बहुत ही नायाब कलर है यार इसका, इस तरह की डक मैंने भी पहले कभी नहीं देखी थी। तुम लोगों ने बताना, तुम लोगों ने ऐसी डक कभी रियल में देखी थी पहले वीडियोज में? तो भाई हमने तो डायनासोर भी देखा हुआ है, लेकिन इस तरह की डक यार, इस तरह का कलर मैंने पहली दफा देखा, बड़ा ही नायाब कलर है यार। आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।